अमित और अमित भाई कोर्ट देख रहे हैं और ये पैसे मुझे दो। तो रोहित भाई ने लिया कुछ ये ब्लैक कोट, अच्छा भाई वैसे मैं मुझे पसंद आई। चलो कोई ना, जूते रहन दो ना यार, चलो आगे चले यार, चलो यार इतना कुछ है खरीदने को। हाँ हाँ बोलो मित, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? तो भाई यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा खरीदने का, बट मैं आज के टाइम दो दिन बाद आऊंगा मैं, संडे वाले दिन जहाँ जब चोर बाजार लगे यहाँ पर, तब कुछ खरीद के लेके जाऊंगा। अभी तो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं पहले जैसा, बट अभी बस देखता हूँ लेता हूँ नज़ारा इसका और यहाँ से चलते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं इंडिया गेट भी जा पाऊँ आज, बट देखते हैं उसके बाद। तो भाई तो फिलहाल अगेन फिर से जामा मस्जिद अमित भाई के साथ, तो व्यू कुछ ऐसा खासा खास व्यू हो चुका है भाई, बहुत भीड़ लगी हुई है, क्राउडेड आप देख सकते हो, क्राउड का माहौल कितना कुछ है, बहुत मस्त लगता है। अगर लेने का मन कर रहा बट पैसे है नहीं भाई इतने, तो वो आएंगे संडे वाले दिन, बाकी अभी चलते हैं ऊपर। बट्टू वाले ले काले में यहाँ ही रहो भाई, पीछे देखो ना क्राउड कितना ज्यादा है ना, देख रहे हो फोन के पीछे। भाई अमित भाई का यही मन रहने का मन कर रहा है, यही पे रह जा। हाँ। और भाई फिलहाल कुछ पीछे का व्यू ऐसा, वापिस फिर अगेन जामा मस्जिद अमित भाई और रोहित भाई के साथ। तो व्यू कुछ ऐसा, टाइम हो चुका है कितना भाई, कितना टाइम हो चुका है बताना है टाइम, साढ़े चार टाइम हो गया भाई, साढ़े चार, ओके साढ़े चार हो चुके हैं। और कोशिश कर रहा हूँ अभी कहाँ जाने की, मैं सोच रहा हूँ कि यार वहाँ चले इंडिया गेट तुम लोगों में इतना वो नहीं लग रहा मुझे, अब यहाँ हमें एक घंटे से निकलना है, एक घंटे में पूरा वो करना है, ठीक है उसके बाद फिर चलते हैं जामा मस्जिद, चलेगा ना भाई रोहित, चलेगा तो ठीक है फिर पक्का। तो अभी कुछ व्यू चारों तरफ का कुछ ऐसा, और भाई नीचे का व्यू दिखा देता हूँ आपको, कितना क्राउडेड एरिया बन चुका है आज के टाइम फ्राइडे। तो कुछ इतनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर जामा मस्जिद फिलहाल, तो बस यही व्यू बनता है, क्राउड भाई इतनी ज़्यादा क्राउड है, और उसी क्राउड से होकर हम लोग यहाँ पर आए हैं इस पॉइंट पर, और अभी फिलहाल कर रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर एंट्री। चलो सो अभी फाइनली एंट्री कर लिए जामा मस्जिद के अंदर, और शूज निकाल लिए, आप शूज पहन कर एंट्री नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको शूज निकालने होंगे, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। और व्यू आप देख सकते हो बहुत ही ऑसम है, और ऑल राउंड व्यू कुछ ऐसा भाई, बहुत ही मस्त व्यू है, और साथ ही साथ में हमारा सूर्य देवता भी डूबने वाला है फिलहाल, तो देख सकते हो आप। और भाई खुशी नज़र आ रही है दोनों भाइयों के ऊपर, तो व्यू कुछ ऐसा है इस प्रकार है, और लेते हैं अभी कुछ थोड़ा सा यहाँ पर और घूमते हैं चारों ओर, देखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा आगे का व्यू कैसा है, चार दरवाजे कुछ है हम जामा मस्जिद में, चारों तरफ से आप एंट्री कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है एक पहला दरवाजा पूर्व की ओर, और ये हमारी जामा मस्जिद, और वो एक सेकंड दरवाजा, और थर्ड दरवाजा, और फोर्थ इसके पीछे हो सकता है शायद, उसका मुझे पता नहीं, बट कुछ ऐसा व्यू क्राउड के साथ।
तो चले भाई यहाँ से, अभी हो गया इतना काफी है। तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, देखो देखो, चलो मेरे पीछे आओ, दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ कि मैं मतलब एक पता नहीं प्रथा है क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जामा मस्जिद के अंदर एक ऐसा वो बना हुआ है, बना क्या बोलते हैं उसे, पानी है उसके अंदर, क्या होता है वो, हाँ वो क्या होता है, हाँ इसमें जो अगर कोई मतलब पानी में बूंद होता है तो उसके चलना होता है। कभी चल कभी रुक जा, कभी चल, क्या बना रखा रवि भैया तुझे, रुक जा चल जा, साइड भी चलेगा क्या, अंग्रेजन है यहाँ पे अंग्रेजन। तो भाई अभी इसी बात का अफसोस है, मैं बता रहा हूँ कि बोल तो रहे थे हम वीडियो में कि ये अंग्रेजों से बात करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो क्या करें भाई, चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी यहाँ से भी निकल रहे हैं, तो अभी भाई वो अंग्रेज के साथ वीडियो तो नहीं बना पाए, बट हाँ हमने सेल्फी कुछ ले ली है, तो आपको अभी वो दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप कैसी है कैसी नहीं। भाई ने देखो कैसे खड़े हैं जूते उठाकर, भाई क्या है ये, क्या है मतलब क्या है, कुछ भी तो नहीं है। चलो फिर तो रेडी हो, चलो रेडी, क्या क्या रेट है भाई, बादाम देख रहे भाई, एक ये क्या रेट है, बादाम नहीं यार, इतना ज्यादा माल और मस्त होता है भाई। अभी सामने से आ रहा है कुछ छड़ियों का मेला, देख सकते हो छड़ियों का मेला, पता नहीं क्या सीन है ये, चलो मैं आपको आगे देख चलकर दिखाता हूँ कुछ छड़ियों का मेला, और इस पर बढ़ सकते हो आप कुछ ऐसा है, पता नहीं एक्चुअल में इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट ये जो मेला है पता नहीं किस प्रकार करता हूँ, देखता हूँ कहाँ मिलता है, मिल गया शायद, यार जामा मस्जिद, एंड अभी जा रहे हैं काम पर भाई, इंडिया गेट, तो मेट्रो आ चुकी है, चलो फिर गो फास्ट। चलो खड़े हो जाओ भाई, भाई। तो अभी फिलहाल सेंट्रल सेक्रेट पहुंच चुके हैं, बाकी चले आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। सो फाइनली भाई सेंट्रल सेक्रेट पहुंच चुके हैं, और अभी लाल किला, ओ सॉरी कहाँ, इंडिया गेट नहीं जा रहे, यहाँ पार्क दिखा है, कुछ ऐसा पार्क है, और यहाँ पर एंजॉय किया जाएगा थोड़ी देर, एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे फिर इंडिया गेट, वो भी पैदल, है ना।
ओके फिर ठंड हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है। भाई के पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए नहीं है भाई। नहीं भाई इसके अंदर थोड़ी गिर जाएगा वो, तो कुछ नजारा मस्त है ना यहाँ का व्यू। उतार दिया व्यू, बताओ ना कैसा यहाँ का। बहुत ही अच्छा व्यू है भाई। तो यहाँ पर भी फोटो यार, लाल किले पर भी फोटो उतरेगी ना। लाल किले पर उल्टा कबूतर आना चाहते छोरी। चल ठीक, तो अभी हम इंडिया गेट के बिल्कुल सामने ही हैं। इंडिया गेट हमारे सामने ही है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर। और चारों तरफ आप चेयर्स ही देख सकते हो, स्टेडियम जैसा माहौल मैंने पहली बार देखा। चलते हैं अभी, कितना टाइम लगता है। थोड़ी ही दूर लाल किला, सॉरी लाल किला नहीं, इंडिया गेट। इंडिया गेट है थोड़ी दूर, तो यहाँ से कुछ फोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ से इतनी दूर से कैसा व्यू दिख रहा है ना इंडिया का। तेरे ये रंग चेंज कैसे हो गया? ये कलर चेंज होता रहता है, वैसे हमारा इंडिया वाला रंग अच्छा लगता है ना। अभी जा रहे हैं पैदल यात्रा से हम इंडिया गेट, तो फाइनली पहुंचने वाले हैं। तो भाई अभी पैदल जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, और यहां से राष्ट्रीय संग्रहालय और विदेश मंत्रालय की साइट से ऑन रोड। भैया अभी यहाँ पर देखो, मैं दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अभी चांद को देखा जा रहा है, चांद आप देख सकते हो, और यहाँ से दूरबीन के जरिए चांद को देखा जा रहा है। हाँ भाई, चांद देखना है? देखना तो ठीक है, मुझे भी देखना, वीडियो बनाओ भी जल्दी। अरे यार क्या सीन है भाई, मजा आ रहा है क्या है? सो फिलहाल हमारा यह है जो पॉइंट था आखिरी था, और यहाँ से हम वीडियो को बोलते हैं टाटा बाय बाय। और अभी फिलहाल चलते हैं घर, टाइम हो चुका कितना देखना, 8 बज चुके कम से कम भाई, तो 8 बजने को आया है। और अभी वीडियो का करता हूँ मैं एंड, सो अगर 7:30 मान लो अबे बस हो गए ना। तो अभी फिलहाल वीडियो का करता हूँ एंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इतनी सर्दी में तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं घर भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून एवरीबॉडी। तो अमित भाई का देखो भाई क्या जोकर बन गया है। ये टोपा लिया है, टोपा लिया, अभी सर्दी लग रही है ने बहुत ज्यादा, टोपा लिया अभी भाई ने। तो चलते हैं भाई, यहाँ से टोकन लो यार ये। सो फाइनली यार आप पब्लिक देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, शाम का टाइम हो चुका है
9 बजे का, और मेट्रो भी ऐसे भरती है जैसे कि ऑटो। तो अभी आप देख सकते हो लाइन लगी है भाई, लाइन में खड़े होना है क्या हमें भी? ओ यार लंबी लंबी लाइनें लगी भाई। डाकू बन गए हमारे।